चुकी है अपने घर एंड शी इज माई मदर। ये मेरे लिए सब्जी बना रही हैं कासी फल की, और अंदर मौसी बर्तन साफ कर रही हैं। यश अभी नहा के निकला है और अभी मुझे भी नहाना है, फिर मैं आपको मिलती हूँ नहाने के बाद, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं आपको मिलती हूँ नहाने के बाद। और मेरा व्लॉग देखते हुए और अंकल हैं जो यहाँ पे बैठ के फ़ोन चला रहे हैं और मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं। अंकल आपको कैसा लग रहा है मेरे व्लॉग्स देख के? इधर इधर चल। आपने जो ब्लॉग बनाए वास्तव में बहुत अच्छे बनाए, मतलब स्टार्टिंग मेहनत की है आपने ब्लॉग बनाने में। स्टार्टिंग में तो थोड़ा थोड़ा तो ऐसे ही चलेगा ना, अभी कैमरा भी नहीं अच्छा। अभी अभी आ जाएगा और अच्छे से आएगा। क्या अच्छे से आएगा अभी और बनाना। ओके, फिर भी काफी अच्छे लगे मुझे, बहुत अच्छे लगे, बहुत मेहनत की। ठीक है, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने घर पे और अब मैंने नहा लिया है। ये रहा मेरा लुक। बाहर बहुत गर्मी है इसलिए अब हम इस रूम में बैठ के खाना खाएंगे। एसी चालू ऑन करेंगे। अरे बंद बस हो गया, गेट बंद कर दो। मुझे 3 मंथ्स के बाद घी की रोटी रायता मिला है। वहाँ पे रायता नहीं मिलता, दही मिलता है, वो भी सिर्फ हफ्ते में एक बार। तो रायता क्यों नहीं देते? रायता तो देना चाहिए ना। वो रायता नहीं देते, वो इतना सा दही देते हैं जिस दिन 4 रुपया बनाते हैं वो भी नाप के हर एक बच्चे को कटोरी में देते हैं। हफ्ते में एक बार मिलता है बस। बस संडे को, कभी कभी वो भी नहीं मिलता जिस दिन चावल आंटी कहती चावल नहीं बनाए, मटर नहीं थी कुछ और बना रही थी उस दिन वो भी चला जाता। और हमें तो दही खाने की आदत है ना। और हमारे घर में हमारी खुद की पेट भैंस है जो दूसरे प्लॉट पे रहती है, उसका ताज़ा ताज़ा घी दूध दही आता है हमारे घर में। मतलब हमारे घर में दूध घी और क्या होता है मक्खन से छाछ बनती है, छाछ बनती है। जो राजस्थान हरियाणा के लोग होते हैं वो एक्चुअली ऐसे ही होता है, हर घर में उनको प्योर दही चाहिए, दूध वाले पे विश्वास नहीं करते, वो खुद डेयरी पे जाके अपने सामने कड़वाना निकलवा के विश्वास करते। चेस करते चेस। तो अब मैं जा रही हूँ सोने, बाय बाय गुड नाइट। आपको मिलती हूँ मैं 2 घंटे बाद, जब क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करके आई हूँ और मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको नाप के बाद मिलती हूँ, बाय। और उड़ा कैसे हो रहा है फील तुझे? अभी मैं थोड़ा सोकर उठी हूँ और मुझे हल्का सा गरम गरम फील हो रहा है। फील हो रहा है? हाँ। तो ऐसा करते हैं, थर्मामीटर ये लगा लो। तो मैंने अभी मौसी से थर्मामीटर मंगाया है, अब देखती हूँ मेरा क्या बनता है। देखो पहले कितने पे। ये अभी 99 कैसे यूज करती हूँ, मैं तो कुछ ले ही नहीं है। ऑफ तो नहीं है? अब बोले आवाज करें। जिसको बिंदी लग जाती है शादी में लड़कियां खतरनाक हो जाती हैं। जैसे एक ये हैं, दिखाओ इनको, ये खतरनाक, एक पीछे हैं कैमरे के वो भी खतरनाक। खतरनाक बिंदी से नहीं होते हैं, लोग बना देते हैं खतरनाक। ये हमारे मामा देसी नुस्खा करते हुए मेरा फीवर हो गया, फीवर हो गया मुझको इसलिए। तो इसलिए ठंडे पानी की पट्टी से उतर जाता है। ऐसा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? और सुबह तो बता टैबलेट कितनी खाई, मतलब पहले उसकी खाई थी। किसकी? पेट दर्द हुआ कल। हाँ। टैबलेट खाई कल मेरे को ट्रेन में भी, मेरी तबीयत खराब हो उल्टी जैसी लग रही उसकी टैबलेट। पर ये है कि मैंने उस टाइम ब्लॉग में नहीं दिखाया था कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैंने हल्का हल्का ही दिखाया। आउच, अब थोड़ा इससे आराम मिल जाएगा। पापा ने तो मुझे कॉल कर करके ये ले लेना, फर्स्ट एड ले लेना, ये वो पता नहीं क्या क्या। पापा ने मेरे को नहीं बताया? पर पापा ने मुझे मना किया था कि मम्मी को नहीं बताना क्योंकि मम्मी टेंशन दे देती है सबको और ज्यादा। बाबा से कि मैंने कर देंगे कुछ नहीं बताना मम्मा को, कुछ नहीं बताना मम्मा को। पर आप टेंशन भी तो लेते हो ना, तो
टेंशन तो बचने के लिए ही, पर आप वैसी वाली टेंशन लेते हो, सॉल्यूशन चाहिए अपन को। सॉल्यूशन नहीं आता मेरे पास, सॉल्यूशन तो कुछ है नहीं मेरे पास। सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि आप ट्रैवल नहीं करती हो बच्चों के साथ। अगर आप ट्रैवल करो ना बच्चों के साथ, तो पता चलेगा कि नहीं ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मामा घर पे ही रहती है, इनको बाहर निकलने को बोलते हैं तो ये चलती नहीं है बाहर। क्या है मम्मी? ठंडी 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 मम्मी, ठंडी ठंडी तो लगेगी। आई मम्मी सेवा कर रही है। हाँ मम्मी मेरे बाल क्या सेवा कर रहे हो? ऊपर से बाल खींच रही है, नीचे यहाँ से बाल खींच रही है। देखो देखो मेरी मम्मी मेरे बाल खींच रही है इधर से और यहाँ से। ये जब माँ सेवा करती है, जब माँ बीमार हो जाती है तो गई थी यार, समझ नहीं आती मेरे को। अभी गई थी ना घूमने के लिए, पट्टी टॉप गई थी। नहीं नहीं सॉरी, पट्टी टॉप नहीं, उससे पहले तो कहाँ पे गई थी यार? कौन सा चित्रकूट, कौन सा है मतलब अखनूर? हाँ सॉरी अखनूर गई थी, उसकी वीडियो अच्छी लगी मुझे। जैसे मेरी अखनूर की वीडियो नहीं देखी वो जाके देखें, क्योंकि मेरी मम्मा को वो पसंद आई है। ये हमारी मौसी, अरे मैं मौसी मेरा ये हेडफोन साइड में रख दो, हेडफोन हेडफोन। मम्मी दूसरे दिन बुलाएंगे। बोलो क्या क्या लेकर आए? वनीला आइसक्रीम। तो आज हम सब रात को वनीला आइसक्रीम खाएंगे। तो अब हमारे घर में आया है प्यारा सा फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसको देती हूँ। Hey Bhura, how are you baby? अब हम डालेंगे Bhura के लिए बिस्किट। बिस्किट, have it, have। दिखने में तो नहीं लग रहे हैं, पर देखता हूँ टेस्ट करके। ओहो, आ जा, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। Yum yum.